I. Never give up. Great things take time. Be patient. Today is 5th of March 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. खिजादिया बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड है गुजरात में. मध्य प्रदेश में है बारासिंगा. बारासिंगा एज स्टेट एनिमल. द्री फेस्टिवल एक एग्री फेस्टिवल है, एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है. ये सेलिब्रेट होता है अरुणाचल प्रदेश में. वॉर्सा कैपिटल है पोलैंड का. आज के सवाल हैं. Which pass is located between Mumbai and Pune? Mumbai and Pune, Western Ghats. Sattriya is a dance form of which state of India? Bannalu is an annual festival celebrated in which state of India? Where in India is the Molling? Molling National Park. एक मुरलैन है और एक मॉलिंग है, confuse नहीं होना है. This is Molling National Park. Who was the president of INC at the time of independence? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है diurnal. Diurnal मतलब daily, day to day. Occurring, done, produced और appearing every day, प्रतिदिन. Incendiary का मतलब होता है like भड़काऊ, आग लगाने वाला. Designed to cause fires, combustible, flammable, inflammable. Incendiary remarks. Sedate का मतलब होता है गंभीर है, काम, डिग्निफाइड एंड अनहरिड. परपेचुटी मतलब अनंत काल तक, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ लास्टिंग फॉर एवर. नॉट का मतलब होता है शून्य, द न्यूमेरिकल सिंबल जीरो या फिर किसी चीज़ का एब्सेंस. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है. राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग तीनों चीज़ों में you have to get proficient, you have to become proficient. So ये आज के vocabulary words हैं. आज हम The Hindu में ये सारे topics पढ़ेंगे. Halt hostilities for evacuation, Ukraine crisis, India abstain हुआ है United Nation vote, spin legend Shane Warne passes away, this is about off to the sky, then this is Polavaram. ये एक नई species मिली है New Guinea. पंडित भीमसेन जोशी जी, बीइंग रेडी. रशिया का जो वॉर है और वायलेंस कुड नॉट बी द आंसर. कैपिटल वर्डिक्ट. दिस इज अबाउट तेलंगाना एंड आंध्रा. इंसुमी स्टूडेंट्स अभी भी इंडियन वहाँ पर स्टक हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है. यूक्रेन क्राइसिस, कोविड-19, कोलकाता फेयर. दिस इज जामा मस्जिद एंड रशिया. चाइना पार्लियामेंट, यूएनएसए न्यूक्लियर डील. बिजनेस न्यूज़ में हम प्राइमरली देखेंगे यूक्रेन क्राइसिस और इसका बिजनेस, स्टॉक्स, मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ऑयल, चिप शॉर्टेज, गोल्ड और पेट्रोलियम डीजल का प्राइस बढ़ने वाला है. देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़. आज सैटरडे है तो आज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 30 to 35 मिनट्स. सी जो क्लास है, क्लास में जो हमें क्विज करना था, डेली क्विज, इसको लेटेस्ट स्टार्ट फ्रॉम से अप्रैल. अभी जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम में मैंने नंबर ऑफ क्विज बढ़ा दिए हैं. 5 की जगह वहाँ पे डेली 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहाँ पे क्विज फॉर्मेट में आई एम पोस्टिंग. ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. टेलीग्राम में जो क्वेश्चंस डाल रहे हैं ना, उसको अननेसेसरी डिफिकल्ट नहीं, लेवल का नहीं रखते हैं, उसको ईजी मॉडरेट का करते हैं. वहाँ पर वो ज़्यादा बेटर डूएबल होगा. जो कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट एडवांस्ड लेवल के जो क्विज़ होंगे वो हम इस क्विज़ में करेंगे. ओके, तो फिलहाल के लिए जो बेसिक और मॉडरेट लेवल के जो क्विज़ हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो टेलीग्राम पे कंटिन्यू करते हैं. ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन. वो क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छे हैं. मैं उसको बड़े अच्छे से क्यूरेट कर रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्प करेगा. तो 10 MCQ एवरी डे ऑन टेलीग्राम. और सीसेट का क्रैश कोर्स कंटिन्यू रहेगा मंडे टू फ्राइडे. रिवीजन क्लास कंटिन्यू रहेगा मंडे टू फ्राइडे. आज वीकेंड है तो आज अपन इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे. से इवनिंग से आई विल स्टार्ट और टिल 10-11 आई विल बी देयर. पिंग मी एंड वी विल हैव दिस इंडिविजुअल गाइडेंस और इससे रिलेटेड लेटेस्ट ट्राई टू कवर. आज इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपन. ओके, आज और कल, सैटरडे एंड संडे. ऑलराइट, सो लेट अस कम बैक टू दिस द हिंदू. तो फर्स्ट न्यूज़ है वो यूक्रेन की है. 9th डे ऑफ वॉर चल रहा है. Halt hostilities for evacuation. India urges Russia in Ukraine. तो इंडिया ने डिमांड किया है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, जो यहाँ पे स्टक हैं, वॉर के टाइम पर जो सिविलियन कैजुअलिटी है वो नहीं होना चाहिए, इसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है। प्लस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ़ पैसेज मिलना चाहिए सो दैट वो यहाँ से इवैक्यूएट कर पाए। तो 1000 स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पे ट्रैप्ड हैं। रशिया ने सीज कर लिया है न्यूक्लियर प्लांट। ओपन ऑनलाइन हेल्पलेसनेस, हेल्पलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऑनलाइन हेल्पलाइंस, और 3700 इंडियंस इवैक्यूएट हैं। तो ये न्यूज़ अभी चल रहा है कि चीज़ें अभी भी थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ पे, इनफैक्ट वर्जन है। द पॉइंट इज़ वी नीड टू इवैक्यूएट अवर इंडियन सिटीजन्स एज सून एज पॉसिबल ऑन प्रायोरिटी। इंडिया एब्सटेन्स अगेन इन यूनाइटेड नेशन वोट, इंडिया की पॉलिसी है, इंडिया ने फिर से यहाँ पे यूनाइटेड नेशन वोट पे एब्सटेन किया। एब्सटेन मतलब ना तो यस बोला ना नो बोला, वहाँ से चुपचाप हट गए। सो दिस इज एब्सटेन। ग्लूम स्प्रेड है, डेलीगेट्स ऑब्जर्व अ मिनट ऑफ साइलेंस एट अ सेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जिनेवा, तो एक जो रेजोल्यूशन था यूएन का स्ट्रांगली कंडम था, एग्रेशन बाय रशिया, ग्रेवली कंसर्न है, सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रही है और रिफ्यूजीज बन रहे हैं। सी 6,60,000 रिफ्यूजीज हुए हैं ड्यू टू दिस रशियन इन्वेशन। सो द पॉइंट इज ये अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे ये रेजोल्यूशन आया था। इंडिया का जो पॉलिसी है इसको हमने पहले भी देखा है, इंडिया इन सब में अभी एब्सटेन रह रहा है। बट एट द सेम टाइम इंडिया ने ये क्लियर वर्ड्स में कहा है वायलेंस का कोई जगह नहीं होना चाहिए, जो भी डिफरेंसेस है वो पीसफुली टॉक्स के थ्रू, डिप्लोमेटिक टॉक्स के थ्रू रिजॉल्व करना रिक्वायर्ड है। दिस इज़ वेरी पेनफुल न्यूज़। स्पिन लेजेंड शेन वॉर्न पासेज अवे, ही वॉज ओनली 52 ईयर्स ओल्ड। 708 टेस्ट विकेट्स लिए हैं, यील्ड ऑफ 293 इन ओडीआई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ क्रिकेट एट ओनली 52। देन दिस इज़ अगेन वन पेनफुल न्यूज़, पाकिस्तान में मॉस्क में यहाँ पे बॉम्बिंग हुआ। सी टेररिज्म का कोई जगह नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब नेक्स्ट है, दिस इज़ नेक्स्ट पेज, ये है ऑफ टू द स्काई, टूरिस्ट टेकिंग ऑफ इन अ पैराग्लाइडर। ये पैराग्लाइडर होता है, पैराग्लाइडर फ्रॉम दिस वागमोन हिल्स इन कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला को क्या बोलते हैं? गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री, बिकॉज दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो केरला में कोट्टायम में टूरिज्म है, दिस इज पैराग्लाइडर। पैराग्लाइडिंग हैज़ बिकम अ मेजर ड्रॉ फॉर टूरिस्ट एवर सिंस द रीओपनिंग ऑफ टूरिस्ट सेक्टर इन केरला। तो टूरिज्म क्या होता है? टूरिज्म होती है सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। कोविड-19 हुआ तो टूरिज्म बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ। अब बात चल रही है टूरिज्म को फिर से रिवाइव करें। टूरिज़्म के बारे में हमने एक और चीज़ क्या देखा था, टूरिज़्म में अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। टूरिज़्म में इन्वेस्टमेंट आता है तो इससे जॉब क्रिएशन होता है। तो टूरिज़्म इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू क्रिएट मास स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो दैट इज़ वाई हम टूरिज़्म को इतना एम्फेसाइज करते हैं। देन दिस इज़ पुलिस और पोलावरम, फार्मर्स टू गेट 5 लाख पर एकड़, पोलावरम प्रोजेक्ट। ये है न्यू जिन बेरी स्पीशीज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु। तो ये एक नया बेरी है, ये कहाँ मिला है? कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या? कन्याकुमारी है। अगर अपन कंप्लीट इंडिया का देखें इंक्लूडिंग आइलैंड्स, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? आंसर इंडिया का। और इंडिया के कोऑर्डिनेट्स भी बताइए। अगर अपन मेनलैंड देश केवल कॉन्टिनेंट का देखें, आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करें, तो इंडिया का सदर्न जो है कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये जो ऐसे लाइन होती है ये लॉन्जिट्यूड होती है, दीज लाइंस आर लैटिट्यूड। तो इंडिया के कोऑर्डिनेट लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड क्या है? आंसर। वेरी बेसिक क्वेश्चन पर पता होना चाहिए कि यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी दिस व्हाट आर द लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स ऑफ इंडिया। तो दिस इज़ टीम ऑफ साइंटिस्ट है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने डिस्कवर किया बेरी स्पीशीज कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसका नाम है ग्लाइकोसमिस अल्बी कैरेपा। ये एक डिस्टिंक्ट लार्ज वाइट फ्रूट है, सदर्न वेस्टर्न घाट में ये एंडेमिक है। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। रिवीजन में हमने पढ़ा था इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, इनके नाम बताइए। एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, बाकी 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से हैं? तो ये हो गया, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये एक नई स्पीशीज़ यहाँ पे फाइंड किया है। अब इसका जर्नल में पेपर होगा। एक्चुअली ये जो न्यूज़ होती है ना, इसका रिलेवेंस ये होता है, दिस टेल्स बायोडाइवर्सिटी, मतलब इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है इकोलॉजी हेल्दी है। देन दिस इज पेज नंबर 7, पंडित भीमसेन जोशी ट्रांसफॉर्म्ड वॉइस इनटू अ टेंजिबल फॉर्म। तो दिस इज पोएट लिरिसिस्ट जावेद अख्तर जी डिलीवर्स इनॉग्रल एड्रेसेस एट PIFF पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टेंजिबल, इनटेंजिबल, अभी एक और मूव चल रहा है कि जो हमारी इनटेंजिबल हेरिटेज है। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको अपन छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इनटेंजिबल हेरिटेज होती है जो मतलब हम टच, स्मेल, सेंस नहीं कर सकते। तो द आइडिया इज़ इनटेंजिबल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है कल्चर। इसके लिए अभी एक और स्कीम चल रही है और वो हो रहा है डिजिटाइजेशन करना। डिजिटाइजेशन लाइक जैसे डायलैक्ट हुआ, लैंग्वेज का डायलैक्ट है ना, और इस तरीके के सॉन्ग्स है, लोकल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस है, इनको डिजिटाइज करो ताकि हम इनको सेव कर सकें इन टेंजिबल हेरिटेज को। तो दिस इज टेंजिबल फॉर्म। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है बीइंग रेडी। रेगुलर टॉक्स हैं। अगर लास्ट ईयर इसी टाइम की बात करें, मार्च 2021, आई क्लियरली रिमेंबर चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो गई थी। हर जगह ये बोला जा रहा था कोविड-19 इज़ गॉन। फिर मार्च 15 आते आते, 15-20 मार्च आते आते कोविड के केसेस बढ़ने लग गए। फिर अप्रैल आया। अप्रैल वॉज लाइक डिज़ास्टरस। अप्रैल में बहुत डिज़ास्टरस था क्योंकि इस टाइम पे डेल्टा का कोविड पीक का डेल्टा का वेव आया था एंड वी लॉस्ट सो मैनी लाइव्स। सो द पॉइंट इज लेसन्स रिपीट, हिस्ट्री रिपीट नहीं होना चाहिए। वी नीड टू लर्न लेसन्स। कोविड इज़ स्टिल आउट देयर। अच्छी चीज़ ये है कि वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ गया है। इंडिया में 90% जो पीपल हैं वो कोविड से इम्पैक्ट हुए हैं वन वे और अनदर, तो काइंड ऑफ इम्यूनिटी भी उनमें डेवलप हुई होगी। बट स्टिल वायरस जो होता है वो इवॉल्व होता है, उसका म्यूटेशन होता है, हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इंडिया इज़ फॉर्चुनेट इन दैट इट डज़ नॉट हैव टू बैटल वैक्सीन हेजिटेंसी इन अ लार्ज मेजर। दिस वॉज रियली गुड। फॉरेन कंट्रीज़ में, US में देखो, इधर इवन यूरोप में भी वैक्सीन हेजिटेंसी थी बहुत ज़्यादा। उनके पास चार वैक्सीनेशन थी फॉर 1 पर्सन, फिर भी वो 1 पर्सन वैक्सीनेशन नहीं लगा रहा है। इंडिया में फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, तो दिस इज़ गुड। अभी जो बात है कि अभी वैक्सीनेशन जो है, अभी जैसे बच्चों को भी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, अभी से 15-18 वालों को ही लग रही थी। द पॉइंट इज़ वैक्सीनेशन का आगे प्रोग्रेस कंटिन्यू होना चाहिए, इसको स्टॉप नहीं करना है। प्लस ये जो नई वैक्सीनेशन थी, बायोलॉजिकल ई, जेनोवा, जाइडस, कैडिला, ये अप्रूवल तो मिल गया बट अभी भी मास यूज़ में नहीं आई है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इनको भी स्पीड अप करें बिकॉज वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग ईजी नहीं होता है। कोवैक्सीन के केस में हमने देखा रैम्प अप करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी कोवैक्सीन को। सो द पॉइंट इज़ वी नीड टू डू दिस। एटीट्यूड जो है वो हमारा गार्ड्स ड्रॉप नहीं करने चाहिए, कोविड को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। देन दिस इज़ कैपिटल वर्डिक्ट। ये बात है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला ये जो 3 कैपिटल है ये ज़रूरी नहीं है, एक कैपिटल अमरावती सफिशेंट। एक्चुअली क्या होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ बदलती है तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर वे। तो जैसे अमरावती है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाने को बोला, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाने को बोला, कुरनूल हाई कोर्ट बनाने को बोला। ये एक प्रपोजल था बट बाद में इसको विड्रॉ कर लिया गया। कोर्ट ने भी बोला दिस इज़ नॉट लाइक फीजिबल, नहीं होगा ये। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है यहाँ पे वहाँ की विधानसभा बैठेगी, कानून। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून। कानून कौन बनाता है? विधानसभा। तो अमरावती में विधानसभा बैठेगी, विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव बैठेंगे मतलब सेक्रेटेरिएट, मंत्री वगैरह, और कुरनूल में रहेगा हाई कोर्ट। आइडिया ये था कि जो डेवलपमेंट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सारे पार्ट ऑफ स्टेट पे। सिमिलरली जो साउथ अफ्रीका है उसकी भी 3 कैपिटल है। आप बताओ साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है, और दिस वन मोर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड दिस हाई कोर्ट का है, लाइक दैट। सो इसी फॉर्मेट में आंध्रा में भी ट्राई कर रहे थे बट उसको अभी ड्रॉप कर दिया गया है। अब जो बात है नई कैपिटल जो बनाते हैं तो इसमें लैंड एक्विजिशन होता है, फार्मर्स से ज़मीन ली गई। अब ये जो ज़मीन ली गई तो उसका मुआवजा भी टाइम टू टाइम मिलना चाहिए उन्हें। प्लस अगर वो ज़मीन किसी पर्पज़ से ली गई है और वो पर्पज़ में वो बिल्डिंग नहीं बनी, वो प्रोजेक्ट नहीं बना, तो ज़मीन रिटर्न करने का ऑप्शन भी होना चाहिए। सेकंड, ये जो नया हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लेते हैं तो ये इकोलॉजिकली एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन सब चीज़ों के विदिन होना चाहिए, अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट जो है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का अक्सर गवर्नमेंट ट्राई करती है ताकि फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट सारे पार्ट ऑफ स्टेट में पहुँच जाए। बट द पॉइंट इज़, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी से फिर चेंज हो गई तो फिर सारे प्रोजेक्ट बैक टू ज़ीरो, फिर नई डायरेक्शन आ जाए। इससे वेस्टेज बहुत होता है और प्रोग्रेस स्टॉल होती है। कैपिटल वर्डिक्ट, रशियाज़ वॉर द इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ वायलेंस, वर्ल्ड मस्ट फोरगो एनी अटेम्प्ट टू प्लेस हीरोज़ ऑफ वॉर ऑन हायर पेडेस्टियल देन अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, जो सिंप्लिसिटी है, नॉन वायलेंस है, हम उसको इतना एनकरेज करते नहीं है जितना उन्हें ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। जो वायलेंस है, जो रेटोरिक हो रहा है, वॉर मॉन्गरिंग हो रहा है, अननेसेसरी एग्रेशन दिखा रहे हैं, या फिर सेंटिमेंट्स दिस यूटिलाइज हो रहा है, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, अल्ट्रा जिंगोइज्म हो रहा है, दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज हिस्ट्री आप देखो, इस चीज़ों का कोई अच्छा एंड रिजल्ट कभी नहीं आया है। सो द पॉइंट इज़, यहाँ जैसे गांधी जी ने बोला, गांधी जी की टीचिंग थी नॉन वायलेंस, डायलॉग्स होने चाहिए, नॉन वायलेंट पीसफुल वे में सॉल्यूशंस फाइंड होने चाहिए। सच थिंग जो है वो भी रशिया में दिस ज़रूरी है। देखो, पहले जो रशिया था, रशिया का प्लान ये था कि विद इन 72 आवर्स यूक्रेन लाइक पूरा इनके पास आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। द काइंड ऑफ यहाँ पे जो फेस यूक्रेनियन ने शो किया है, तो दिस टेल्स कि इवन बाय फोर्स अगर यूक्रेन रशिया ले भी लेता है तो रशिया को इसको कंट्रोल करना और यहाँ रहना डिफ़िकल्ट होगा। द पॉइंट इज़, पावर के थ्रू आप पर्सन को तो ले सकते हो, बट यू कैन नॉट विन देयर हार्ट। टू विन देयर हार्ट यू हैव टू बी लाइक, ह्यूमन वैल्यूज़ वहाँ पे दिखाना ज़रूरी होता है। तो दिस थिंग इज़ मिसिंग ओवर हियर, ऐसा करके यहाँ बताया है। लीडिंग द वे में ये बताया है, जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला, एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ये जो व्हाट्स अबाउटरी होती है ना, इससे बचना चाहिए कि इसने ऐसा किया तो वैसा हुआ, ऐसा इसका कोई यूटिलिटी नहीं है। एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सो द पॉइंट इज़, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, ये बड़े रेलेवेंट है आज के टाइम पे वर्ल्ड ऑर्डर में। गांधी जी प्रैक्टिकल भी बातें बताते थे, जैसे आपने सिविल डिसोबीडियंस बोला या फिर सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट लिखा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़। इन सब चीज़ों को अभी ज़रूरत है, स्पेशली यूक्रेन क्राइसिस में भी और वर्ल्ड में भी, बिकॉज फॉर पास्ट सम टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाइक सेंटिमेंट्स ड्रिवन डिसीजंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो कोर वैल्यू सिस्टम है उनको इग्नोर किया जा रहा है। दीज थिंग्स हमें एक रॉन्ग डायरेक्शन में वर्ल्ड को पुश कर सकती है, बिकॉज कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा है कि हम एज अ ह्यूमैनिटी अगर हम देखें तो वी स्विम टुगेदर, वी सिंक टुगेदर। वायरस डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा था कि दिस इज़ अमेरिकन, दिस इज़ यूरोपियन, दिस इज़ एशियन, या फिर वायरस स्किन कलर के हिसाब से अटैक नहीं कर रहा था, वायरस जेंडर के हिसाब से अटैक नहीं कर रहा था, नेशनैलिटी के हिसाब से अटैक नहीं कर रहा था। सो द पॉइंट इज़, वी स्विम टुगेदर, वी सिंक टुगेदर, वी नीड टू बिकम वन। तो वेस्ट में भी ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया है यहाँ पे, और इस सब चीज़ों में इंडिया के पास पावर है अपनी सॉफ्ट पावर का प्रोजेक्शन करना, सॉफ्ट पावर गुडविल का। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे है। इस पे हमें आंसर राइटिंग भी करना चाहिए था, बट अब इसको अपन मंडे में करेंगे, जैसे ही अपने को नॉन वायलेंस और गांधीयन प्रिंसिपल्स का एक ऐसा आर्टिकल मिलेगा। ओके, नॉन वायलेंस और गांधीयन प्रिंसिपल बहुत रेलेवेंट है आज की डेट में, जैसे कल परसों हमने किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। आंसर राइटिंग में भी लेट अस डू वन थिंग, आंसर राइटिंग फ्रॉम मंडे अपन न्यूज़पेपर के साथ ही कवर कर लेंगे। ओके, इससे थोड़ा और एफिशिएंसी भी आ जाएगी, प्लस अभी मोस्ट ऑफ द बेसिक्स अब एवरीबडी नो कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो अपन स्पीड से 10-15 मिनट में उसको विद इन दिस न्यूज़पेपर ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ब्रेक नहीं करेंगे, लिखना है, but we will include it in this newspaper video itself. Okay, so this is impracticality of violence. Overall जो tone है वो ये है कि violence नहीं होना चाहिए, civil society में violence का कोई place नहीं है, dialogues होने चाहिए, democratically way में solution find करना चाहिए, diplomatically way में, so this should be there. ये तेलुगु सिनेमा है जब से बाहुबली, तेलुगु सिनेमा वैसे पहले भी बहुत अच्छा कर रहा था बट बाहुबली मूवी के टाइम से और पिछले कुछ टाइम से इतनी अच्छी मूवीज़ यहाँ पे आई है ऑल ओवर इंडिया, इवन इंटरनेशनल भी इनको बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है। सेट फॉर अ चेंज ऑफ सीन। देन दिस इज सुमी, स्टूडेंट्स अवेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। ऑपरेशन गंगा ब्रिंग्स बैक फ्रॉम 3,700 इंडियंस। एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन इन इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब ऐसा डिमांड आ रहा है कि जो जैसे डॉक्टर्स का ये पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल का, अब ये इंडिया आ गए, अब कॉलेज तो पता नहीं कब ओपन होगा यूक्रेन में, तो व्हाट अबाउट देयर फ्यूचर। सो डिमांड आ रहा है कि इनको इंडियन कॉलेजेस में ऐसा कुछ एडमिशन हो। देन प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग किया। यूक्रेन डिफेंस एक्सपो जो भी होने वाला था ये पोस्टपोन हो गया। डिफेंस एक्सपो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया। ये कहाँ हो रहा था? गांधीनगर, गुजरात में। कोविड-19 का प्रेजेंस कोलकाता बुक फेयर में भी नजर आया, बुक फेयर। देन दिस इज असेंबली न्यूज़। फ्राइडे प्रेयर्स अलाउड एट जामा मस्जिद आफ्टर 30 जामिया मस्जिद आफ्टर 30 वीक्स। तो कोविड था, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज थे, तो इसके कारण यहाँ पे दिस पब्लिक गैदरिंग भी स्टॉप किया गया था। अब इसको पैंडमिक कर्ब्स हट रहे हैं, तो अब पैंडमिक कर्ब्स हट रहे हैं तो नॉर्मलसी आ रही है। Then this is Russia seizes Europe's largest nuclear plant। यहाँ एक डिजास्टर हुआ था जिसका नाम है चेरनोबिल। चेरनोबिल किस ईयर में हुआ था? टेल। चेरनोबिल, यूक्रेन। रशिया सीजेज द यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट। पोटेंशियल डिजास्टर स्पार्क्स अलार्म। नो साइन ऑफ एलिवेटेड रेडिएशन लेवल। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे अभी भी इस जोन में रेडिएशन लेवल हायर रहता है। चाइना पार्लियामेंट टू मीट अमिड इकोनॉमी यूक्रेन चैलेंजेस। अब सी रशियन क्राइसिस का, यूक्रेन क्राइसिस का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में दिखेगा, इकोनॉमी चाइना भी। यूएनएससी ने मीटिंग होल्ड किया। क्लोज टू रिवाइविंग ईरान न्यूक्लियर डील। दिस इज़ अ गुड न्यूज़। ईरान न्यूक्लियर डील अगर रिवाइव होता है, ईरान से सैंक्शंस हटेंगे, हम आसानी से ऑयल भी इम्पोर्ट कर पाएंगे, चाबहार पोर्ट भी रैपिडली डेवलप कर पाएंगे। दिस इज़ गुड न्यूज़। देन Geopolitical events have added to challenges for central banks। तो सी सेंट्रल बैंक का एक बहुत बड़ा मैंडेट होता है। आरबीआई की आंसर राइटिंग पे हमने देखा था कि एक इकोनॉमी स्टेबिलिटी बनाए रखना, रुपी की स्टेबिलिटी बनाए रखना, फाइनेंशियल जो फंडामेंटल्स हैं उसको स्ट्रेंथन रखना। अब जियोपॉलिटिकल इवेंट्स क्या हैं? जैसे कि यूक्रेन, इसके पहले एक और इवेंट थी जैसे कि कोविड-19। इन सब के कारण फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स हैव टर्न्ड वोलाटाइल। वोलाटाइल अप डाउन बहुत हो रहा है अमिड हाइटेंड अनसर्टेनिटी। तो दैट इज़ वाई इकोनॉमी में भी बहुत अनसर्टेनिटी है। अभी इकोनॉमिक सर्वे आया हमारा, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है। ये जो यूक्रेन क्राइसिस अगर लंबा चला, ये सारी बातें जंक हो जाएंगी। सो दैट इज़ वाई इस टाइम पे इतना यूटिलिटी नहीं है प्रोजेक्शंस थ्योरीज को पढ़ने का। इस टाइम पे अगर इकोनॉमी पढ़ना है तो आप बेसिक्स बहुत अच्छे से रखो, वोकेबुलरी डेवलप करो। व्हाट डज इट मीन बाय आईपीओ, व्हाट डज इट मीन बाय रेपो, रिवर्स रेपो, बेंच रेट क्या होती है, ओके, करेंसी स्वैप क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, लाइक दैट। तो ये बेसिक वोकेबुलरी वर्ड्स अच्छे से करना है और ये मोर देन सफिशिएंट है। हर टाइप का एग्जाम इससे क्वालिफाई हो जाएगा, ओके। तो दिस इज सेंट्रल बैंक्स। रुपी स्लिप्स ऑन ऑयल टू 11 वीक फॉर लो पास $76। दिस इज अगेन वन थिंग, 76 का हो गया है। कॉन्फ्लिक्ट विल वर्जन चिप शॉर्टेज, मूडी ने बताया। तो नियॉन जैसे गैस जो होती है, नियॉन गैस यूक्रेन से प्राइमरली ये सप्लाई हो रहा था। ये जो गैस होती है दिस इज़ फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसेंशियल है। पैलेडियम होता है, रशिया से आता है, दिस इज़ ऑल्सो एसेंशियल। क्राइसिस में इन दोनों का सप्लाई शॉर्टेज होगा और एज ए रिजल्ट सेमीकंडक्टर जो ऑलरेडी बहुत ड्रैग कर रहा था सेक्टर, वो और वर्जन हो जाएगा, डिले होगा। तो इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी होगा, कंप्यूटर में भी होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आर यूज्ड एवरीवेयर। सो ये शॉर्टेज जो होगा ये अब और सीवियर होने वाला है, वर्जन हो रहा है। फ्यूल प्राइस बढ़ने वाली है, करीब 12-13 रुपये बढ़ेगी। एफएडीए ने स्लैश किया ऑटोमोबाइल सेल सी। एक तो कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल सप्लाई चेन इम्पैक्ट हुई, कार्स इन्वेंट्री इनकी इतनी ज़्यादा हो गई है, कार्स बिक नहीं रही है, नेगेटिव साइटिंग फॉर ऑटोमोबाइल सेल। स्टील प्राइसेस राइज एज वॉर हिट सप्लाई चेन। फरवरी का सर्विसेज पीएमआई सिग्नल्स म्यूटेड ग्रोथ। म्यूटेड ग्रोथ का मतलब ग्रोथ हुआ है बट उतना नहीं हो रहा जितना एक्सपेक्टेड था हमें, म्यूटेड, साइलेंट हो गई है ग्रोथ। फर्म्स कंटिन्यू टू शेड जॉब्स। जॉब्स का सीवियर क्राइसिस है। सो ये सब जो चीज़ें हैं ना, एक्चुअली इकोनॉमी टोटैलिटी में चलती है। हर इवेंट, इवन सेंटिमेंट्स पे भी चलती है इकोनॉमी। तो अभी तो जैसे कोविड क्राइसिस हुआ, यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है, प्लस सेंटिमेंट्स डाउन है अगर, तो ओवरऑल ये इकोनॉमी के लिए डार्क क्लाउड्स है। डेटा प्रोटेक्शन बिल में हिट एफडीआई इंडस्ट्री बॉडीज़ ने कहा। अब ये जो न्यूज़ है ना, डेटा प्रोटेक्शन 2 साल से देख रहे हैं, ये बिल ही है, आगे बढ़ती नहीं है बात, बिकॉज इस बिल में जो प्रोविजंस है उससे कंपनीज इंडस्ट्रीज़ का वर्क जो है वो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होगा। तो एक और चीज़ होती है, वो होती है लॉबी। तो इनकी जैसे इंडस्ट्रीज़ की लॉबी है, कॉरपोरेट्स की लॉबी है, टेक कंपनीज़ की लॉबी है। एट टाइम्स वो जो बिल्स होते हैं उसको लाने से स्टॉप भी करते हैं और एट टाइम्स उसको लाइक मैनिपुलेट भी करते हैं। दिस हैपन्स। तो पर बात आती है यहाँ पे जिस तरीके से डेटा बढ़ा है, डेटा पर्सनल डेटा का प्राइवेसी को इंश्योर कराना ज़रूरी है और आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए cyberlaw.gov.in जो है, जिसमें साइबर क्राइम्स रिलेटेड सारी चीज़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम्स पूछे थे, दिए थे, इससे MCQ ज़रूर बनेगा अभी प्रीलिम्स में। दिस इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा क्या होता है, विच इज़ लाइक योर फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा, ये पर्सनल डेटा हुआ। नॉन पर्सनल डेटा क्या हुआ, जैसे आप ट्रैफिक में जा रहे हो, आपकी कार के से उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे अभी ट्रैफिक कंजेशन बहुत हो रहा है, अकॉर्डिंगली उन्होंने ट्रैफिक के रूट्स प्लान कर दिए, तो ये नॉन पर्सनल डेटा हुआ। पर्सनल एंड नॉन पर्सनल। टी एक्सपोर्ट में मार्जिनल डिप हुआ, शुगर आउटपुट एस्टिमेट भी बढ़ा है। तो दिस इज़ बिजनेस न्यूज़। देन शेन वॉर्न, क्रिकेट्स किंग ऑफ स्पिन, पासेज अवे, लाइफ इज़ सो अनसर्टेन। देन दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ नेक्स्ट पेज प्रोफेशनल एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ विंटर पैरालंपिक्स ओपन। अभी विंटर गेम्स हुए, अब पैरालंपिक होंगे, तो ये भी बीजिंग 2022 में ही हो रहा है। रशियन एथलीट्स वापस चले गए हैं। दिस इज़ विंटर पैरालंपिक्स। देन दिस इज़ स्पोर्ट्स। ओके, so this is the Hindu newspaper for today. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.